शनिवार को जनपद पंचायत चीचली सभा कक्ष में तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, गाडरवारा विधायक श्रीमती सुनीता पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल, सुरेंद्र पटेल, मंजले भैया, जिला पंचायत सदस्य मोना कोरव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रदीप रघुवंशी, सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में जनपद पंचायत चीचली का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर जनपद पंचायत चीचली राधाबाई कमलेश चौधरी अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनीष कोरव भिडवार सहित 18 सदस्यों ने शपथ ली। उपाध्यक्ष जनपद पंचायत चीचली का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर संजय शर्मा ने कहा कि काम को सभी लोग मिलकर प्राथमिकता दे, जनता के रुके हुए कार्य कराए, तभी हम जनता का विश्वास दोबारा जीत सकते हैं। प्रत्येक महाजनपद की बैठक जरूर कराए। इस मौके पर नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, पंच उपस्थित रहे। संचालन डी के पटेल ने किया एवं आभार उपाध्यक्ष मनीष कोरव ने किया। मेरा नाम राधा चौधरी है, मैं ग्राम सहावल से मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जनता की सेवा के लिए अवसर मिला है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा काम करूँगी। सबका सहयोग मिले तो और भी अच्छा करूँगी सर। आज शपथ समारोह हुआ तो कौन कौन पधारे थे? आज शपथ समारोह में हमारे क्षेत्र से गाडरवारा सुनीता पटेल जी, विधायक मैडम जी, विधायक शर्मा जी, तेंदुखेड़ा से निर्वाचित हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ जी। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कौन कौन उपस्थित रहे? आप अध्यक्ष हैं चीचली जनपद की, श्रीमती राधाबाई कमलेश अहिरवार जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज दोनों विधायक, माननीय विधायक गाडवारा, माननीय विधायक तेंदुखेड़ा संजय शर्मा जी, श्रीमती सुनीता पटेल जी के समक्ष आदरणीय संदीप भैया, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, सबके सामने शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चीचली के सभी ब्लॉक के पूरे सरपंच, सचिव सब एकत्रित हुए और पूरी क्षेत्र की जनता के सामने हम लोगों ने शपथ ली। क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब हम लोग जनता ने चुन के, जनता के सामने चुन के आए हैं, जनता ने चुन के भेजे हैं, जो उनके जो भी उम्मीद रहेंगे उन पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हर एक एक गाँव तक हम लोगों को जाना होगा। चीचली जनपद में नवनिर्वाचित पंच, सरपंच या जो भी लोग नवनिर्वाचित हुए, कौन सा कार्यक्रम हुआ, क्या क्या हुआ? आज हमारा जनपद पंचायत चीचली का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जो सदस्यगण नवनिर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। सरपंचों का शपथ ग्रहण अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में पहले ही हो चुका है। आज समस्त जो भी पंचायती राज के प्रतिनिधि थे वो सब यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायकों की और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण आज सम्पन्न हुआ। हमारे तेंदुखेड़ा से विधायक संजय शर्मा जी और गाडरवारा विधायक सम्मानी सुनीता पटेल जी और कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। संदीप पटेल जी माननीय हमारे सेवा दल के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधि जो कांग्रेस के हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी जन उपस्थित। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, क्या क्या हुआ कार्यक्रम में? आज तो केवल शपथ ग्रहण समारोह था, जबकि हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसी जनपद में जीते हैं, तो सारे सदस्यों का जो प्रथम सम्मेलन होता है वो हुआ है। कल चारपाटा का था, नरसिंहपुर का था, तीन जनपदें नरसिंहपुर जिले हमारी बनी है, तो उस कार्यक्रम में आए। आपने अपने संबोधन में सरपंच, पंच और जितने भी निर्वाचित लोग हैं उनको कुछ सुझाव और टिप्स? हमने यही उनसे आग्रह किया कि जनता बड़े विश्वास के साथ हमें चुन के भेजती है। ग्राम पंचायत सरपंच हो, चाहे जनपद के मेम्बर हों, चाहे जिला पंचायत के हों, तो हम उनकी कसौटी पे खड़े होते हैं। उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, जनपद के माध्यम से जो ग्राम पंचायत पहुंचती हैं वो तो समय पर पहुंचती रहे, समय पर पंचायत कार्यालय खुलते रहें, लोगों को चक्कर न लगाने पड़े। गांव में खुद जाके हमारे प्रतिनिधि घर घर एक सर्वे कर लेंगे, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिलेगी, उनकी योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहेगा। महीने में एक बार बैठक का भी? हाँ, जनपद में हमेशा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए बैठक, हर ग्राम सभा में गाँव के प्रस्ताव आना चाहिए, जनपद में हर माह बैठक होगी, निश्चित ही सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। गाडरवारा विधानसभा सहित नरसिंहपुर जिले की जनता को कोई संदेश? नरसिंहपुर जिले हम चाहते हैं कि हम लोगों को लोग जनता ने चुन के भेजा है, तो जो पंचायती राज की कल्पना थी महात्मा गांधी जी की, उस अनुरूप गाँव का सामंजस्य रहे, गाँव के लोग मिलकर गाँव का विकास करें और एक आपसी सामंजस्य के साथ लोग अपने ग्राम का विकास करें, उस सब मिलकर रहें। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।